हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी बटनेर आईएएस। बटनेर आईएएस की यूट्यूब साइंस सीरीज के अंदर हम 8th क्लास के अभी तक 15 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 16 चैप्टर चल रहा है, दैट इज प्रकाश यानी कि लाइट जिसे आप कहते हैं लाइट। ठीक है, लाइट है क्या? अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज लाइट? इट इज एन इनविजिबल एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं देती। और कितनी अजीब बात है, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती वही हमें विजिबिलिटी का सेंसेशन देती है। यानी कि जो भी चीजें हम अपने आसपास देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से है? जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उससे वो सभी ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास है वो हमें दिखाई देते हैं। दैट मीन्स जो भी चीजें हमें दिख रही हैं वो किसकी वजह से है? लाइट रेज की वजह से, विच इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए अब अगर हम यहां पर देखें कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको दृश्य कौन बनाता है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, तो जैसा कि हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर ही है, यानी कि उनके ऊपर जो लाइट पड़ती है, जैसा कि पिछली क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है कि जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है क्या होगा, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी या उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी या फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी कि किसी दूसरे एंगल पर वो मूव कर जाएगी। इन तीन चीजों को हम क्या कहते हैं? यहां पर मैं आपको लिख के बताती हूँ। जो फर्स्ट है, अगर हम इसको देखें, फर्स्ट पोजीशन अगर हम देखें कि वो क्या कहता है, अगर लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापिस चली जाती है तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट रे क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा हमने पढ़ा, अगर वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। आपको ध्यान होगा हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था जिन चीजें आर पार हम देख पाते हैं, क्यों हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू नहीं देख पाते, या जो ट्रांसल्यूसेंट है उनमें हम थोड़ी बहुत विजिबिलिटी हमें रहती है, तो वो सब किसकी वजह से? क्योंकि वो लाइट रेज जो है वो कितना एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एब्जॉर्ब करना। क्लियर। और थर्ड जो प्रोसेस होता है यहां पर, जिसमें कि हमें ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है, आपको टब के अंदर कॉइन के एग्जांपल के थ्रू समझाया गया था या पेंसिल के एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यानी कि सितारों का जो चमकना है उस एग्जाम्पल्स के थ्रू, बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स उसके थ्रू हमने समझा था, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे? रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन मतलब कि जो ऑब्जेक्ट से टकराने पर, यानी कि अगर ये कोई सरफेस है, अगर कोई लाइट रे यहां पर आ रही है, ठीक है, तो ये पहली पोजीशन में क्या होगी? इसे टकराकर वापस चली जाएगी, इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्लियर। और अगर ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो हमें दूसरा फिनोमेना हो जाएगा। और तीसरा अगर हम देखें, इसको कैसे जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी बेंट हो जाती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? रिफ्रैक्शन। ये तीनों जो टर्म है हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जब ऑब्जेक्ट से कोई भी जो रेज है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वो रेज, तो भी वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिखाई कैसे देते हैं, दृश्य कैसे बन सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, परावर्तन के नियम। अभी जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा यानी कि परावर्तन, रिफ्लेक्शन, तो इसे हम क्या करें हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन हमने पढ़ा क्या होता है, अगर ये हमारी कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये हमने एक सरफेस ले ली, कोई भी मीडियम हमने लिया, अगर हम इस पर देखें कोई रे इस तरीके से आ रही है, क्लियर, ये रे इस तरीके से आई और इसके बाद क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्ट हो गई, क्लियर, तो ये हमारी कौन सी रे कहलाएगी? अच्छा चलिए यहां पर हम एक और चीज कर लेते हैं, हम बीच में ही एक इसके दोनों पॉइंट्स जहां पर है इसके परपेंडिकुलर हम एक और लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे, क्लियर। ठीक है, तो अब इन चीजों को हम क्या कह रहे हैं? देखिए जो ब्लू कलर की रे है ये क्या है? हमारी इंसिडेंट रे। क्लियर, इंसिडेंट रे। जो रेड कलर की है ये हमारी कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। और जो बीच का जो ये हमें नजर आ रहा है ये हमारा क्या है? नॉर्मल। क्लियर, इतना आया आपको समझ में? किसी भी सरफेस पर जब कोई रे आकर गिरती है उस रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण।
क्लियर। और जब वो उस सरफेस से टकराकर वापस किसी डायरेक्शन में चली जाती है उस रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। और इन दोनों रेज के मिलने के पॉइंट पर जहां सरफेस के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल यानी कि अभिलंब। क्लियर। अब देखिए जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। वही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आई एंड एंगल आर। क्लियर। इतनी बात आई आपको समझ में। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल मेक्स द एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे मेक एंगल विद नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट विल बी एंगल आर। तो जो लॉज है रिफ्लेक्शन के लॉज है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं एंगल आई परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियमों को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझें। ये हमारा सपोज कोई सरफेस है। क्लियर। अब इस सरफेस पर अगर हम किसी रे को इस तरीके से पहुंचा दें तो ये हमारी रे कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी हमारी, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। क्लियर। अगर ये रे इस सरफेस से टकराने के बाद किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। यानी कि परावर्तित किरण। क्लियर। ये हमारी क्या कहलाएगी, आपतित किरण और वो हमारी क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। और यहीं पर अगर हम इसके सरफेस के परपेंडिकुलर जहां ये दोनों रेज मिल रही हैं सरफेस के परपेंडिकुलर जब हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ये हमारी क्या कहलाएगी, नॉर्मल जिसे हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है। अब यहां पर अभिलंब के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है इसे हम कहते हैं एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रेज के साथ जो एंगल बना रही है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। ठीक है। अब लॉज की अगर हम बात करें तो पहला लॉज तो क्या कहता है, देखिए ये हमें एक सरफेस नजर आ रही है। ठीक है। एक प्लेन नजर आ रहा है तो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है दोनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। तो फर्स्ट लॉ जो है हमारा वो क्या कहलाएगा, सेम प्लेन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं, यानी कि जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्टेड रे है ये किस पर होंगे, सेम प्लेन पर ही होंगी। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं एक ही प्लेन है। क्लियर। हम अगर 3D 4D हम जानते हैं डायमेंशंस जो हैं तो यहां पर दोनों ही हमें कहां नजर आ रहे हैं, एक ही प्लेन के अंदर नजर आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो लॉ है वो क्या कहता है, जितने एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यानी कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल के साथ इंसिडेंस रे आ रही है उतनी ही एंगल के साथ वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम। ठीक है। यहां तक आया आपको समझ में। तो यही सब चीजें हमारी बुक में लिखी है। देखिए आपतित किरण लिखा है, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण लिखा है जो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। ये देखिए यहां पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण और ये इंसिडेंस रे आ रही है जिसे हम कह रहे हैं आपतन कोण। क्लियर। आपतन कोण और परावर्तन कोण यहां पर दिखाए गए हैं और इसी तरीके से बताया गया जो लॉज है वो ये कहते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखिए पहला जो लॉ है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं। ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। और जो दूसरा लॉ है वो हमें क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। क्लियर। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो समतल दर्पण है जो उसके अंदर इमेज है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबसे पहला तो हम देखें जो इमेज उसमें बनती है वो कैसी बनती है। इमेज बनेगी आपकी इरेक्ट। हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इमेज के बारे में कि कुछ रियल होती हैं, कुछ वर्चुअल होती हैं, कुछ इरेक्ट होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, एनलार्ज्ड होती हैं, डिमिनिश्ड होती हैं यानी कि छोटी बड़ी उल्टी सीधी दूर पास, है ना। तो ये सब प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, जो इमेज के हमने अलग अलग पॉइंट्स लिए थे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, तो पोजिशन इमेज की क्या होगी, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगी, है ना, तो वो सब चीजें हम अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, समतल दर्पण की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट अगर आपको याद हो तो इसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। वर्चुअल यानी कि जिसे हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, ठीक है। जो रेज है, कब इमेज कब बनती है, जब कभी भी दो रेज आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर जो वर्चुअल इमेज होती है, इसमें एक्चुअली रेज जो है वो नहीं मिलती है, उनको जब हम पीछे कहीं बढ़ाते हैं तो कहीं पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो ऐसी इमेजेस क्या कहलाती है, वर्चुअल इमेजेस। क्लियर। तो पहली अगर हम देखें तो इमेज हमें कैसे मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, और कैसी होगी, इरेक्ट। इरेक्ट कैसी होती है, सीधी। अब जब हम मिरर के अंदर हम देखते हैं तो हम अपने आप को सीधे ही दिखाई देते हैं, सिर है तो ऊपर सिर ही दिखाई देगा, उल्टे तो नहीं हो जाते हम, है ना, तो वो कैसी होती है, इरेक्ट यानी कि सीधी। क्लियर। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमें मिलती है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो साइज है, हम नेचर, साइज, पोजिशन, ये सब चीजें पढ़ते हैं, तो प्लेन मिरर में जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा, इक्वल। किसका इक्वल, ऑब्जेक्ट के इक्वल, यानी कि अगर हमारे सिर का अगर हम साइज देखें तो इतना ही वहां पर भी हमें नजर आएगा। क्लियर। यानी कि जितनी बॉडी का साइज होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा, वही हमें प्लेन मिरर में भी दिखाई देगा, यानी कि इक्वल साइज की हमें इमेज दिखाई देंगी, ना तो वो छोटी होगी ना ही वो बड़ी होगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, डिस्टेंस। तो ये इमेज हमें सेम डिस्टेंस पर मिलेगी, यानी कि उतनी ही दूरी पर मिलेगी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी, इमेज और मिरर के बीच की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज डी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो डी डिस्टेंस पर ही हमें इमेज मिलेगी। क्लियर। तो सेम डिस्टेंस होगी। और फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, लिटरली इन्वर्टेड जो है, हमें लिटरल इन्वर्जन जो है हम कहते हैं, यानी कि जिसे आप कहेंगे पार्श्व परिवर्तन, हिंदी में आप इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन, हिंदी में आप इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक है, पार्श्व परिवर्तन। क्लियर, समझ गए आप। जैसे हम अपना मिरर के अंदर हम लेफ्ट उठाते हैं हैंड, है ना, तो हमें कौन सा लगता है, वो जैसे कि राइट हो, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, यानी कि पार्श्व परिवर्तन, जो साइड है वो चेंज हो जाती है। अब आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, एम्बुलेंस आपने देखा होगा, जितनी भी जो एम्बुलेंस होती हैं उनके ऊपर जो लिखा होता है आगे फ्रंट के अंदर मिरर शीशे के ऊपर एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा होता है। तो क्यों लिखा होता है, वो इसी प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें जब उसकी इमेज बनेगी तो वो सीधी हो जाएगी। क्लियर, उल्टी बन जाएगी, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा, तो जो अपोजिट वर्ड्स हैं, जो टेढ़े मतलब जो लेफ्ट साइड है वो हमें राइट नजर आएगी, और इसकी वजह से जो एम्बुलेंस है वो हमें सीधा लिखा हुआ नजर आएगा, एंड वी इजीली मेक अ वे फॉर दैट एम्बुलेंस। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी, लेटरल इन्वर्जन। तो ये है मेन पॉइंट्स की जो प्लेन मिरर यानी कि जो समतल दर्पण है उससे जो इमेजेस बनती हैं उसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है। हालांकि ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो फिर भी एक बार रिविजन हमारे लिए जरूरी था। ठीक है, चलिए, अब जैसा कि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, है ना, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपको ये एक्टिविटीज दी गई है, उसके थ्रू जो है आप देखेंगे उसमें कि इमेज, जैसे भी आपको मैंने वर्चुअल बताया था, ये देखिए वास्तव में कहीं नहीं मिल रही है रेज, ये कहीं हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो उसको हम वर्चुअल कहेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दो सर्फेसेस आपको नजर आ रही है ना, ये कैसी है, इरेगुलर सर्फेसेस है। तो जब कभी रेज इनके ऊपर आएंगी तो क्या होगा, परावर्तित किरणें क्या होंगी, कुछ अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। देखिए ये रेज आ रही हैं और ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। जो व्हाइट रेज आ रही है वो कौन सी है, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, और जो रेड है वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है ये दो सर्फेस पर हमें दिखाई दे रहा है, एक तो ये क्या हो गया, स्मूथ सर्फेस हो गई, है ना। जब स्मूथ सर्फेस पर होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन।
रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, क्योंकि किसी स्मूथ सरफेस पर जब रेज इंसिडेंट होती हैं, आपतित किरण रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली मूव कर रही हैं। देखिए आपको नजर आ रहा है ये क्या जा रही है, रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल समानांतर जा रही हैं, तो ये क्या होगा, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। वहीं पर अगर हम ऊपर वाली इमेज में देखें, ये देखिए यहां पर ये सरफेस कैसी है, इररेगुलर है, और जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि जो रेज हैं वो क्या होंगी, पैरेलल एक दूसरे की नहीं जाएंगी, तो इसे हम क्या कह देते हैं, अनियमित यानी कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो जो रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल चली जा रही हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब रेज किसी इररेगुलर सरफेस पर, उबड़ खाबड़ सरफेस पर, रफ सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जो रेज है वो आपस में डिस्पर्स हो जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं मोस्टली इसी इररेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये अलग अलग देखे, जैसे ये पॉइंट हमने क्या कहा, जो इमेज बनेगी वो कब बनेगी, जब दो रेज आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो इररेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद ये रेस कहीं ना कहीं आपस में मिल रही है, तभी तो इमेज बन पाएगी, और जब पैरेलल चली जाएंगी सारी रेस तो वो कहीं पर भी मिलेंगी नहीं, तो एक वर्चुअल इमेज बनेगी। तो जो चीजें हमें दिखाई दे रही है वो वर्चुअल तो नहीं है, है ना, वो रियल इमेज हमारी आंखों के अंदर बन रही है, तो इररेगुलर सरफेस के कारण ही जो है हमें मोस्टली चीजें जो है वो दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इररेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए यहां पर लिखा गया है, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं, यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें दिखाई देती हैं, हमारे चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं, जैसे चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा, प्रदीप्त पिंड कहते हैं, और जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप, इन सब का प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है और इस प्रकार हम इनको देख पाते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ये चीजें भी हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, ल्यूमिनस जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस, और जो स्वयं का प्रकाश नहीं रखते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रकाश के कारण रखते हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, नॉन ल्यूमिनस, दीप्त और प्रदीप्त। ठीक है, तो जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है, सूरज के प्रकाश से, तो वो क्या है, प्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनस। इसी तरीके से सूरज है, उसका स्वयं का प्रकाश है, तो वो क्या है, ल्यूमिनस। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो है हमारा, क्या परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। देखिए यहां पर आपको एक इमेज दिखाई गई है, और ये मोस्टली हमारे साथ होता भी है, हम हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, जब कटिंग करवाते हैं, आपने देखा होगा वो आपको अपने बैक साइड की जो भी हेयर स्टाइल है, कटिंग है, वो आपको पीछे से एक मिरर में दिखाता है, और जब आप उसे मिरर में देखते हैं तो पीछे बहुत सारे जो इमेजेस हैं वो आपको नजर आते हैं, यानी कि एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर इमेज आपको नजर आती है। तो ऐसा क्यों होता है, पहली बार जो इमेज बनी जो हमें सीधी फ्रंट में दिखाई दे रही है वो एक सिंपल एक बार रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई दी, लेकिन जो पीछे जो हमें इमेज नजर आ रही है वो उसके रिफ्लेक्शन के कारण नजर आ रही है। तो ऐसे ही जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बहुत बार आगे से आगे रिफ्लेक्ट होती हुई इमेजेस बनाती है। कैसे बनाती है ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सपोज ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहीं पर ये एक और प्लेन मिरर है, ठीक, यहां कहीं पर जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो प्लेन मिरर के लिए हमने पढ़ा है कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो मिरर है, उसकी जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की और इमेज की क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी। तो अगर स्पेस हम थोड़ा सा और ले लेते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, और यहाँ कहीं पर हम देख लेते, सॉरी मिरर, और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर। अब ये हम देखें, ये डिस्टेंस अगर हम मान लें क्या है, डिस्टेंस दिस डी, और इधर भी क्या होगी, डिस्टेंस डी, ये दो मिरर्स रखे गए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मिरर्स। तो हमें पता है जो ऑब्जेक्ट होगा जितनी दूरी पर रखा गया है उसकी इमेज उतनी ही दूरी पर बनेगी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसके डी डिस्टेंस है, तो यहां पर भी लगभग डी डिस्टेंस पर ही क्या होगा, सपोज मान ले कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है,
डी डिस्टेंस है, क्लियर। तो यहां पर ये इमेज हमें इसकी मिल जाएगी। यहां पर हम लिख देते हैं ये क्या है, इमेज, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्लियर। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारी इमेज बन गई ब्लू कलर की। सेम अगर हम इसी तरफ देखें तो यहां पर भी डीप डिस्टेंस पर हमारी क्या बन जाएगी, यहां पर इमेज बन जाएगी, क्लियर। और डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये हमारी डी ही डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। अब अगर ये हमारी इमेज है तो क्या होगा, ये इमेज क्या करेगी, इसके लिए भी जब इसके रेज रिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि ये जो इमेज है जब इस पर टकराएगी, है ना, हमने दो मिरर्स रखे हुए हैं, पीछे एक इमेज बनी है, ठीक है। जैसे हम मिरर सामने रखते हैं, हम बीच में पीछे एक और हम मिरर रखें, सपोज ये बोर्ड क्या एक मिरर है, तो वो इमेज उसके ऊपर बन गई, ठीक है। अब वो इमेज इस मिरर के लिए, फ्रंट के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, अभी वो इमेज थी, ठीक है। दोबारा समझिए इस चीज को, देखिए ये मिरर मेरे सामने रखा है, सपोज ये मोबाइल जो स्क्रीन है मेरे सामने, ये एक मिरर है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, और पीछे जो बोर्ड है ये भी क्या है, एक मिरर है। तो जो मेरी इमेज सामने बनी वो कहां जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर पीछे डी डिस्टेंस पर बराबर बनेगी, ठीक है। अब जो पीछे इमेज बनी है अब क्या करेगी, वो आगे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। यानी कि ये जो ब्लू वाली जो इमेज बनी है ये इस मिरर के लिए क्या करेगी, अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसके डिस्टेंस अब आप देख रहे हैं कितनी हो रही है, डी डी डी, यानी कि तीन डी हो गए। तो इस डी की, यानी कि ये जो इमेज जो अब ऑब्जेक्ट बन गई है जो ब्लू कलर से हमें नजर आ रही है, ये आगे इससे तीन डी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, तो डी कलर हम चेंज कर लेते हैं, स्पेस कम है, तो हम यहां पर डी एक हो गया, ये दूसरा डी, और यहां पर हम और देख लेते हैं तीसरा डी। तो यानी कि यहां कहीं पर क्या होगी, इसकी फिर से एक नई इमेज बन जाएगी, क्लियर। और फिर अगर हम उसकी बात करें तो वो इमेज अब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना। और अब डी लगा लीजिए आप कितने, तीन डी, वो चार डी, पांच डी, छह डी, यानी कि इससे पीछे अगर हम जाएं सिक्स डी पर कहीं एक और इमेज बन जाएगी। अब वो जो इमेज होगी वो फिर से इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इमेज मिरर के अंदर 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 हमें बहुत सारी इमेजेस जो है वो नजर आती है। तो यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो एक बार रिफ्लेक्ट हो गई, वो बार 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 रिफ्लेक्ट होती है, जिसे हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। आई बात आपको समझ में। यहीं पर जैसे हम एक और चीज देखें, अगर हम अलग अलग एंगल्स पर रखें, ये दो हमने प्लेन मिरर्स का एग्जांपल लिया, सपोज इन मिरर्स को हम 90 डिग्री पर रख देते हैं, ठीक है। ये एक मिरर और ये एक मिरर, ठीक है, ये हम मिरर देख रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी एक इमेज तो कहां बन जाएगी, अगर ये डी डिस्टेंस है तो डी डिस्टेंस पर ही यहां बनेगी, ठीक है। और अगर ये डी डिस्टेंस है तो डी डिस्टेंस पर ही यहां बनेगी। हम फिर से इमेज के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये इसकी इमेज बन गई, ठीक है। जो ब्लू कलर की है वो क्या है, इमेज है, क्लियर। आइए आपको बात समझ में। अब क्या होगा, देखिए अब अगर हम देखें कि ये जो रे है जब इससे यहां पर टकराएगी, यहां से टकरा के यहां जाएगी और फिर कहीं इधर चली जाएगी, ऐसा ही होगा। ये टकराई और इस तरीके से निकल गई। वहीं अगर हम एक और वो देखें कि अब इससे टकराएगी, ये यहां टकराएगी और ये यहां कहीं चली जाएगी, समझे। यानी कि जो रिफ्लेक्शन है वो रे मिरर से टकरा के दूसरी सरफेस पर जा रही है और फिर से टकरा रही है। और अगर इन दोनों को हम कहीं मिलाएं, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तो तीसरी इमेज यहां कहीं पर भी हमें मिल जाएगी। यानी कि अगर हम दो प्लेन मिरर्स को 90 डिग्री पर रख देते हैं तो हमें तीन इमेजेस मिलती हैं। दो इमेज तो सिंपल जो पोजीशन हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसकी वजह से, और तीसरी जो मिलेगी वो हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण, यानी कि एक सरफेस पर रह गई, टकराई, दूसरी सरफेस पर गई और फिर वो किसी डायरेक्शन में चली गई। और जब हम इनको कहीं मिलाएंगे, और ये इमेज कैसे होगी, देखिए वर्चुअल होगी, ठीक है, क्योंकि वास्तव में नहीं मिल रही, ये हमें मिलती हुई कहीं प्रतीत हो रही है। डन, इतनी बात आई आपको समझ में। यानी कि जो हमारा टॉपिक है, जो ये कह रहा है कि क्या परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित
किया जा सकता है। तो जी हाँ बिल्कुल, जो परावर्तित प्रकाश है उसको फिर से परावर्तित किया जा सकता है और बहु प्रतिबिंब यानी कि मल्टी इमेजेस जो है वो हम ले सकते हैं, बहु प्रतिबिंब हम ले सकते हैं। जैसे आपको इमेज में दिखाया गया, देखिए इसके अंदर दिख रही है और फिर इसके अंदर जो है और इमेज नजर आएंगी। आप ट्राई कीजिएगा आज मिरर लेकर के अपने पीछे देखिएगा या सामने पीछे मिरर रख के सामने से देखिएगा तो अंदर से अंदर हमें बहुत सारी इमेजेस हमें नजर आएंगी। ठीक है, तो ये होता है बहु प्रतिबिंब यानी कि मल्टी इमेज। तो यहाँ पर ही हमें इसी मल्टी जो रिफ्लेक्शन है इसके बेस पर जो है क्लाइडोस्कोप यानी कि बहुमूर्तिदर्शी का जो है बनाना हमें दिया गया है कि किस तरीके से एक रोल लेकर के उसके दोनों साइड हम मिरर्स लगा दें और उसके अंदर हम कांच के टुकड़े डाल दें तो क्या होगा, वो आपस में जो रेज है मिरर से टकराएंगे और रिफ्लेक्ट होकर के हमें अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल जो कलर की स्ट्रक्चर है वो हमें नजर आएगी। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, क्लाइडोस्कोप। चलिए अब यहां पर हमें दिया गया है सूर्य का प्रकाश जिसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट लाइट भी आप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, व्हाइट लाइट। सूर्य का प्रकाश जो है इसे हम एग्जैक्टली व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश कहते हैं, लेकिन ये जो श्वेत प्रकाश है ये 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर। पढ़ा हुआ है आपने विबग्योर। ठीक है, जो सूरज की व्हाइट लाइट है ये 7 कलर का मिक्सचर है। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर का जो मिक्सचर है उसी को हम क्या कहते हैं, व्हाइट लाइट। तो जैसे हम कभी जो पानी का बुलबुला आपने देखा होगा कई बार जो बन जाते हैं उसके अंदर जब लाइट रेज गिरती है, यहां पर भी क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ही। जैसे ये रे है, ये रे आई, इस पर टकराई, इस पर टकराने के बाद इसके एंगल चेंज हो गया, यहां से टकराएगी फिर ये क्या होगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और ये बाहर चली जाएगी और इस तरीके से ये जो है 7 जो कलर्स है वो हमें नजर आएंगे। इसी को हम क्या कह देते हैं, व्हाइट लाइट या विबग्योर। ठीक, अब ये जो हमें 7 कलर्स का जो बैंड हमें मिल रहा है इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्लियर, स्पेक्ट्रम। और ये जो व्हाइट लाइट जो है ये 7 कलर्स में बट गई है, बिखर गई है, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश का डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को आप हिंदी में विक्षेपण, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अभी हमारे आगे आने ही वाला है बुक के अंदर। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम हमें मिलता है और जो इसका 7 कलर में बिखरना है इसे हम क्या कह देते हैं, डिस्पर्सन यानी कि विक्षेपण। ठीक है, ये देखिए यहां पर लिखा है प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो है हमारी आती है ह्यूमन आई, यानी कि हम सब चीजें देख रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि इमेज बनती है, इमेज कहाँ बनती है, हमारी आंख के अंदर, यानी कि जो रेज हमारी आंखों के अंदर जा रही हैं वो कहीं ना कहीं मिल रही हैं आपस में और उसी के कारण जो है हमें इमेज नजर आ रही है। तो हमें जो ह्यूमन आई है उसके पता होना हमें जरूरी है। तो ये ह्यूमन आई हमें नजर आ रही है, आप सबको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ इस तरह की सोलन जो पार्ट है बाहर से एक राउंड शेप हमें नजर आ रही है। क्लियर, ह्यूमन आई। तो ये जो आपको नजर आ रही है सिलियरी मसल्स हैं, ये जो आपको धागे जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसे हम क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स। पक्षमाभ पेशी, ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो ये जो हमें लेंस नजर आ रहा है इसके छोटा बड़ा होने के में ये हेल्पफुल होती है। ठीक है, परितारिका जिसे आप कहते हैं आयरिस, लेंस और यह है कॉर्निया। ठीक है, जो आउटर लेयरिंग आपको नजर आ रही है यहां पर, ये क्या है, जो स्वोलन पार्ट है इसे हम कहते हैं कॉर्निया और ये जो डार्क कलर का ये आपको नजर आ रहा है ये क्या है, आयरिस। ठीक है, अब ये जो मसल्स हैं और ये बीच में हमें क्या नजर आ रहा है, लेंस। और यहां कहीं पर जब रेज आती है कहां पर मिलती है, ये जो अंदर वाली लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, रेटिना, जहां पर इमेज बनती है। और ये ऑप्टिक नर्व्स जा रही है, ठीक है, प्रकाशिक तंत्रिका है, ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक लग जाती हैं और जो भी इमेज बनती है उस इमेज के जो सिग्नल्स है वो हमारे ब्रेन को भेजती है और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें देखने का विजिबिलिटी का सेंसेशन क्रिएट करता है। अच्छा, यहीं पर एक चीज और देख रही है कि जहां पर ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन की तरफ जाती है वहां पर जो है, जो इसके अंदर ऑप्टिक नर्व्स जो होती है इसके अंदर दो चीजें होती हैं,
रोड्स एंड कोन्स. ठीक है, रोड्स एंड कोन्स दो तरह की सेल होती है, अभी आपके यहां पर आएंगे, शंकु एंड शलाका. ये कलर्स और लाइट इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ठीक है, तो यहां पर अभी मैं आपको ये बता रही थी कि जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, जब ये ब्रेन की तरफ मूव करती हैं, वहां पर ये रोड्स एंड कोन्स नहीं होती हैं, तो इसलिए वहां पर जो विजिबिलिटी का सेंसेशन है हमें नहीं नजर आता, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. ठीक है, अंध बिंदु. क्यों कहते हैं अंधबिंदु? क्योंकि यहां पर ना तो रोड्स होती हैं, ना कोन्स होती हैं, ना शंकु होती है, ना शलाका होती है, जिसकी वजह से जो कलर्स का या लाइट की इंटेंसिटी का जो सेंसेशन है वो नहीं मिल पाता, और कोई इमेज वहां पर नहीं बनती, और जो ब्रेन है उसको रीड नहीं करता. लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमें किस पूरे दिन के किसी भी हिस्से में हमें दिखाई ना दे, है ना, ऐसा नहीं होता ना इस ब्लाइंड स्पॉट के कारण. क्यों? क्योंकि जो कंटिन्यूअसली जो इमेज बन रही है वो ब्रेन उसको क्या कर रहा है, पढ़ता चला जा रहा है, तो इस वजह से जो ब्लाइंड स्पॉट का आभास एक्चुअली जो है वो हमें नहीं होता. क्लियर? तो चलिए, ये हो गई हमारी ह्यूमन आई. यहां पर ये देखिए दिया है नेत्र के आंतरिक, अच्छा पीछे से हमें पढ़ना होगा थोड़ा सा, इसको हम रीडिंग लगा लेते हैं. इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, जो बाहर हमें नजर आ रहा है उभरा हुआ पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया. ठीक है, या स्वच्छ मंडल हम इसे कहते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करता है. कॉर्निया के पीछे हमें गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाई जाती है, ये जो आपको डार्क कलर की नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, परितारिका या आयरिस, सॉरी परितारिका या आयरिस कहते हैं. आयरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं, यहाँ कहीं सेंटर के अंदर ही जो है ये जो दोनों का मिलना है, यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन होता है जहां से जो लाइट रेज है वो एंटर करती हैं, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल, पुतली कहते हैं. ठीक है, परितारिका, पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है. ये जो पुतली है जो आंख के अंदर आपको बिल्कुल छोटा सा गोल हिस्सा दिखाई देता है, पार्ट दिखाई देता है, वो हमारी क्या है, प्यूपिल या आयरिस. ये क्या करती है, ये लाइट रेज के अंदर जाने पर, मतलब इसमें वेरिएशन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम अंधेरे से एकदम से रोशनी में आते हैं या रोशनी से एकदम अंधेरे में आते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, है ना, वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो लाइट रेज हैं वो प्यूपल के साइज के अकॉर्डिंग एंटर करते हैं. जब हम बाहर रोशनी में होते हैं तो बहुत ज्यादा लाइट होती है ना, तो इतनी ज्यादा लाइट की हमें जरूरत नहीं होती, जो प्यूपल है वो हमारी अलग साइज की होती है, और जैसे ही हम अंधेरे में आते हैं तो हमें देखने के लिए ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है, लेकिन प्यूपल ऑलरेडी श्रिंक होती है तो उसको फैलने में, ज्यादा लाइट को अंदर लेने के लिए फैलने में या बड़ा होने में थोड़ा कुछ सेकंड का समय लगता है, इसलिए हमें अंदर एकदम से दिखाई नहीं देता और कुछ सेकंड बाद ही हम नॉर्मल देखने लगते हैं. यानी कि जो प्यूपल का साइज है वो वेरिएबल होता है, वो किसकी वजह से होता है, आयरिस की वजह से. यानी कि आयरिस जब सिकुड़ता है अंदर की तरफ तो पीपल छोटी हो जाती है, और जो बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगा तो वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट अंदर जा पाएगी. पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है. परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है, जैसे किसी की ब्लू आईज होती है, किसी की ग्रीन आईज होती है ना, तो वो इसी वजह से होती है. तो परितारिका के रंग की बात कर रहे होते हैं. परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है. ठीक है, पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा है. ये देखिए लेंस हमें नजर आ रहा है, जो है बीच में से मोटा और ऊपर की तरफ संकरा है. तो कौन सा लेंस होता है, आप बताइएगा आप मुझे, किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है. देखिए यहां भी पूछ लिया आपने, स्मरण करिए कक्षा 7th में लेंसों के बारे में क्या पढ़ा आपने, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या पढ़ा, ये कौन सा लेंस है. अब ये लेंस प्रकाश को जहां पर फोकस कर देता है, यानी कि जो रेज जहां पर मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहते हैं. रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है. तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं यानी कि ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है. अब जो तंत्रिकाएं हैं वो दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, शंकु एवं शलाका. शंकु जो अभी मैंने आपको कोन्स बताया था, और शलाकाएं यानी कि रोड्स. तो जो शंकु हैं ये तीव्र प्रकाश के लिए यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और वही शलाकाएं जो हैं वो मंद प्रकाश और कलर, ये देखिए वर्णों दिया हुआ है कलर, तो मेनली रोड्स को जो है हम कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं. ठीक है, वैसे जो लाइट कलर का जो सॉरी लाइट इंटेंसिटी की जो रेज होती हैं उनके लिए भी ये थोड़ी कैपेबल होती हैं. दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती. इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं, और इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है. अभी एक आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि एक पेज पर आप दो जो है सिंबल्स बनाइए, और उन सिंबल्स को एक को आप देखिए थोड़ी देर के लिए और दूसरे दो को पास लेते आइए पेपर को, तो कुछ समय बाद
बाद क्या होगा, आपको वो कुछ चेंज नजर आएगा, एक इमेज है आपको नहीं दिखाई देगी कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। तो आप इसको करके देखिए तो आपको पता लगेगा अंत बिंदु के बारे में, क्लियर। हाँ जी, अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आई है हमारे लिए, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं और हम आईज बंद कर लेते हैं तो कुछ समय तक वो जो इमेज है हमारी आंखों में बनी रहती है। वो क्यों बनी रहती है, यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र के भांति चलती फिरती अनुभव होगी। आपने देखा होगा कई बार हम एक खेल करा करते हैं, जैसे एक ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर हम ब्लैक और व्हाइट जो है स्ट्रिप्स बना लेते हैं और उसके पीछे हम कोई इमेज रखते हैं और जब उस स्ट्रिप को हम हिलाते हैं मूव करते हैं तो जो पीछे इमेज है वो हमें लगता है वो चलती हुई है ना। जैसे कोई लड़की है तो वो हमें डांस करती हुई नजर आती है, कोई कार्टून है तो वो हमें चलता हुआ नजर आता है। तो वो किस वजह से, इसी वजह से क्योंकि जो इमेज है वो हमारे माइंड में 1/2 सेकंड तक वो बनी रहती है और इस वजह से वो हमें मूविंग नजर आती है, ठीक है। नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलके प्रदान किए हैं, जो हमारे आईलिड्स हैं ये प्रोटेक्शन देती हैं। पलके बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोकती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो पास की चीजों को नहीं देख पाते, कुछ हैं जो दूर की चीजों को नहीं देख पाते, कुछ बुजुर्ग लोगों की आपने देखा है जिनकी नजरें कमजोर हो जाती हैं क्योंकि जो सिलेरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, है ना, लेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनको डिटेक्ट करके उनके अकॉर्डिंग ही उनका जो है सोल्यूशन यह है जो लेंस के थ्रू जो है मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम डिटेल में अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि कभी कभी क्या है लेंस को हटाकर जो नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है जिससे हम आंखों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब आंखों की देखभाल है, जो आंखें हैं हमारे लिए बहुत अनमोल तोहफा है। आप इमेजिन कीजिए अगर हम अपने आसपास कुछ चीजों को नहीं देख पाए कुछ समय के लिए। आजकल हालांकि हर घर में इन्वर्टर जनरेटर्स हैं लेकिन पुराने समय की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जब लाइट चली जाती थी तो हमें कुछ समय के लिए कैसा महसूस होता था। अब भी अगर हम देखें, है ना, अब तो हम बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए इन्वर्टर और जनरेटर होने के कारण। कुछ समय के लिए भी लाइट चली जाती है रात के समय तो हम बिल्कुल पहचान नहीं पाते हैं, अपने ही घर के अंदर हम चीजों से टकरे मारते हुए चलते हैं, है ना। तो आप इमेजिन कीजिए अगर हमारी आंखें नहीं हो तो हमारा जीवन किस तरह का हो सकता है। तो प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, हम प्रॉपर डाइट लें, जैसे विटामिन ए की हम बात करते हैं आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है तो विटामिन ए से भरी हुई डाइट हम लें, आंखों का ध्यान रखें, जो लाइटिंग है जो लेजर लाइट्स हैं उनका यूज हम कम से कम करें, धूप में जाते हुए हम जो सन ग्लासेस हैं उनका यूज करें, ठीक है। तो अतिरिक्त प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश जो है रेटिना को क्षति पहुंचा जा सकता है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है आंखों के अंदर तो डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग हमें जो स्पेक्स हैं जो चश्मे हैं हमें वो लगाए रखने चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो कुछ और जो दूसरे जीव हैं उनके बारे में बताया गया, जैसे रोड्स एंड कोन्स की हमने बात की है, है ना। तो रोड्स और कोन्स जो हैं वो क्या करते हैं, जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं, जैसे केकड़ा है, क्रैब जो है उसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं लेकिन वो इस तरीके की होती हैं कि वो अपने आसपास सारा व्यू वो ले सकता है, ठीक है। अपने पीछे से भी अगर उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो उसे पता लग जाता है, चारों ओर देख सकता है। इसी तरीके से जैसे तितली का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, इसकी जो आंखें हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती है और उसके अंदर बहुत सारी छोटी आंखें होती हैं जिसकी वजह से जो इनका व्यू है वो भी काफी बड़ा होता है, देखिए। इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब भी उसे पता लग, तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं, यह केवल सामने तथा पार्श्व में नहीं बल्कि पीछे भी देख सकती हैं। उल्लू हम जानते हैं रात में देख पाता है और दिन में नहीं देख पाता, इसके विपरीत दिन के प्रकाश में जो सक्रिय पक्षी हैं दिन में अच्छी तरह देख पाते हैं लेकिन रात में नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया और बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं और केवल कुछ ही शंकु होते हैं। तो ये कारण दिया गया आपको कि क्यों जो है दिन में जो पक्षी या जो भी जीव है वो दिन में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल ज्यादा एक्टिव होते हैं या उल्लू जैसे जो पक्षी हैं वो रात में ज्यादा देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि शंकु और शलाका के कारण, शलाका और शंकु के कारण ही होता है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है जो रोड्स और कोन्स हैं वो क्या है, रोड्स और कोन्स जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शलाकाएं यानी कि रोड्स हैं वो कलर के लिए और जो शंकु हैं वो क्या है, लाइट की इंटेंसिटी के लिए। तो जिनके अंदर शंकु ज्यादा होंगे वो क्या होंगे, लाइट की इंटेंसिटी के लिए ज्यादा रिसेप्टर होंगे। वही शलाकाएं जिनके अंदर ज्यादा होंगी वो कलर्स के लिए यानी कि वो दिन में भी जो है देख पाएंगे, ठीक है।
क्योंकि उनके दिन के लिए ऑलरेडी इतनी रोशनी होती है तो उन्हें इतनी ज्यादा रोड्स की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट अपने माइंड में आप क्लियर कीजिए और आप मुझे बताइए कि उल्लू रात में वाली बातें क्यों देख पाता है, दिन में क्यों नहीं देख पाता। रोड्स एंड कोन्स के बेस पर आप जो अपना जवाब है मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर आप बताएं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा रोड्स एंड कोन्स अलग अलग जीवों के अंदर किस तरीके से है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस जो है प्रॉपर हमें देखिए विटामिन ए की जो डाइट है वो प्रॉपर लेनी चाहिए। जो डिस्टेंस है हमें बहुत ज्यादा नजदीक या बहुत ज्यादा दूर रख के हमें नहीं देखना चाहिए। जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारी आंखों से जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की वो कितनी होनी है, 25 सेंटीमीटर, जो हमारे लिए एग्जैक्ट है। यानी कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इससे कम या इससे ज्यादा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं क्या। चाक्षुष विकृति यानी कि जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं, जो विजुअली चैलेंज्ड जिनको प्रॉब्लम है कोई ना कोई, तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से आज जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी डेवलप हो गई है कि उन लोगों के लिए भी पढ़ने लिखने की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। देखिए अगर हम बात करें विजुअली चैलेंज्ड लोगों की, जैसा भी हमने आई डिफेक्ट्स की बात की, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कॉर्निया की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है ना, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जो आप नेत्रदान कहते हैं उसमें क्या किया जाता है, कॉर्नियल जो ट्रांसप्लांटेशन है या कॉर्नियल ग्राफ्टिंग इसे कहते हैं, इसके द्वारा इसको ठीक किया जाता है, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग। ठीक है, और जो बिल्कुल बाय बर्थ ब्लाइंड है उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा होती है क्योंकि उनको क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पर अगर हम देखें कि लुईस ब्रेल जो थे, चलिए यहां पर पहले हम देख लेते हैं जो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति हैं उनके लिए प्रकाश अप्रकाशिक साधन और प्रकाशिक साधन यानी कि नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स की बात यहां पर की गई है। यहां पर मैं लिख देती हूं आपके लिए, नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स। ठीक है, प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक साधन। तो नॉन ऑप्टिकल अगर हम बात करें अप्रकाशिक साधनों में, तो जैसे स्पर्श साधन यानी कि जो टच करके छू करके महसूस कर सकते हैं, श्रवण यानी कि ऑडिबल हो जो सुन करके जो महसूस किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक साधन जो ये इंक्लूड किए जाते हैं। चक्षुष साधन शब्दों को आवर्धित कर सकते हैं, उचित तीव्रता कर प्रदान कर सकते हैं, सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। और स्पर्श साधन जिसमें ब्रेल लेखन पाठ्य शिलाका सम्मिलित है, चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने और लिखने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जैसे सीडीज की बात करें या कंप्यूटर्स के थ्रू यूज करते हैं, या ये हम इलेक्ट्रॉनिक जो टेलीविजन की हम बात करें, कैलकुलेटर कंप्यूटर, इन सब को इंक्लूड किया जाता है। वहीं पर प्रकाशिक जो ऑप्टिकल हैं उनके अंदर बाइफोकल लेंस है, संस्पर्श लेंस है, रंजित लेंस है, कॉन्टेक्ट लेंस है, दूरबीन या टेलीस्कोप जिसे हम कहें, तो इन सब चीजों को यूज करके जो है इन साधनों को यूज करके उनके लिए अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहीं पर जो है ब्रेल लिपि के बारे में हमें बताया गया है। 1821 में जो लुई ब्रेल थे, लुईस ब्रेल आपको इमेज दिखाई गई है, इन्होंने 1821 में, कहीं कहीं आपको 1820 भी नजर आएगा, तो 1821 में जो है इन्होंने एक टेक्नोलॉजी दी थी जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसके थ्रू जो ब्लाइंड लोग हैं, जो विजुअली चैलेंज लोग हैं, उनके पढ़ने लिखने के लिए सिस्टम दिया गया था। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया किस तरीके से सिस्टम होता है, ब्लॉक्स बने होते हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं, और मैक्सिमम 6 डॉट्स का अरेंजमेंट होता है अलग अलग। ठीक है, मैक्सिमम 6 डॉट्स होती है, जैसे यहाँ पर 2 हैं, ये 3 है, तो आपको नजर आ रहे हैं कॉलम, 6 कॉलम्स है ना, तो 6 जो कॉलम्स होते हैं इसके अंदर 6 डॉट्स को लेकर के अलग अलग जो है सिग्नल्स दिए जाते हैं, सिंबल्स दिए जाते हैं, और उन सिंबल्स को छू कर जो है जो ब्लाइंड लोग हैं वो अपना महसूस करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है, ये 2 1 A है और ये T बना हुआ है, तो अगर वो इसको छुएंगे तो उनको पता लग जाएगा ये कैट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग लेटर्स हैं या वर्ड्स हैं उनको जोड़ जोड़ करके इनके पढ़ने लिखने में हेल्प होती है, ये बिंदुकृत पैटर्न इसे कहा गया है। क्लियर, वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई थी, सामान्य भाषाओं गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है, ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। क्लियर, तो ये हो गया आपका ब्रेल मेथड। और यहीं पर हमें कुछ जो है
विजुअली चैलेंज लोग थे उनके बारे में बताया गया। हेलन केलर, आप नाम सुना है आपने, स्टोरी ऑफ माय लाइफ बहुत अच्छी बुक थी उनकी, कि किस तरीके से उन्होंने जो है बचपन से ही वो ब्लाइंड थे, देख नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने इसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और अपनी लाइफ में बहुत कुछ गेन किया। स्टोरी ऑफ माय लाइफ देखिए 1903 के अंदर जो उन्होंने लिखी। इसके अलावा अगर श्री रविंद्र जैन है इलाहाबाद से और भारतीय हैं, और इसी तरीके से दिवाकर नामक नाम के जो प्रतिभा संपन्न बालक हैं, इन्होंने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिए हैं। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने विजुअल इम्पेयर्ड होने के बाद भी बहुत सारा जो है अपने आप में अपना नाम रोशन किया, अपने घर वालों का, अपना प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पेस्ट करें और आप बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं और आपको किस इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आपके सजेशन आप भेजें, आपके लाइक्स हमें भेजें, शेयर करें एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।